लकम टू माई चैनल माई नेम इज़ अपर्णा एंड एंड टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद अवर चैप्टर सो लेट स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ़ एल्कोहल्स यूजली एल्कोहल्स रेंज फ्राम वीकली एसिडिक टू न्यूट्रल इन रेंज लेट एस अंडरस्टैंड थ्रू दिस एंड एक्टिविटी देखिए एल्कोहल जो रहता है वो वीक एसिड से लेकर न्यूट्रल तक उसका नेचर हो सकता है इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी देखेंगे इस एक्टिविटी में हमको ये करना है कि हमको टेन एम एल इथेनॉल लेना है एक टेस्ट ट्यूब में एक राइस ग्रेन साइज का सोडियम लेना है कैरोसिन फ्रॉम कैरोसिन ठीक है और उसके बाद फिर उसको ड्राई पेपर में ड्राई फिल्टर मतलब ड्राई करना है फिल्टर पेपर की हेल्प से उसके बाद उसमें सोडियम डालना है इथेनॉल में टेस्ट ट्यूब में और फिर उसको ऑब्जर्व करना है और देखना है कि क्या होता है तो यहाँ पर क्या होगा इथेनॉल रिएक्ट्स विद एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम एंड मैग्नीशियम टू रिलीज हाइड्रोजन गैस यहाँ पर जो इथेनॉल है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा जैसे कि आपका सोडियम या मैग्नीशियम और उसके बाद में फिर हाइड्रोजन जो है वो रिलीज करेगा ठीक है देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है सी टू एच फाइव ओ एच प्लस एन एन ए सोडियम वो रिएक्ट करेगा तो एच जो है वो यहाँ पर रिलीज हो जाएगा और एन ए जो है वो एल्कोहल के साथ में मतलब एच रिप्लेस होकर यहाँ पर एन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका सोडियम इथॉक्साइड सी टू एच फाइव ओ एन ए एच टू गैस आपका, गैस के फॉर्म पे रिलीज हो जाएगा सिमिलरली मिथेनॉल विद सोडियम टू गिव सोडियम मिथॉक्साइड विच विल हैपन वेन इथेनॉल रियक्ट विद मैग्नीशियम ठीक है देखिये यहाँ पर क्या हो रहा है सी एच थ्री ओ एच आपका मिथेनॉल है तो मेथनॉल जब सोडियम के साथ में रिएक्ट करेगा तो भी सोडियम मेथॉक्साइड हमको मिलेगा अगर अगर यही इथेनॉल जो है उसको हम मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा ठीक है नेक्स्ट देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल व्हेन इथेनॉल इज हीटेड एट 443 केल्विन विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड द ओएच ग्रुप कंबाइंस विद द हाइड्रोजन ऑन द नियरेस्ट कार्बन एटम टू गिव वाटर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल लीड्स टू एल्कीन फॉर्मेशन देखिए जब इथनॉल को फोर फोर uh, हंड्रेड फोर्टी थ्री कैल्विन पे हीट किया जाएगा जब उसमें उसमें एक्सिस uh, बहुत ज्यादा अमाउंट में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के उसको फोर फोर हंड्रेड फोर्टी थ्री कैलविन में हीट करेंगे तो जो ओ एच OH ग्रुप है वो आपका कंबाइन हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ में और जो नियरेस्ट कार्बन आइटम है वो हमको वॉटर देगा तो यहाँ पर क्या हो गया डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हो गया मतलब यहाँ पर जो एल्कोहल था वो क्या हो गया एल्किन का फॉर्मेशन कर रहा है देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है ये आपका इथेनॉल है इथेनॉल का जो एच और ओ OH एच है ये ऊपर का जो एच और ओ OH एच है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा और ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा इथिन हो जाएगा ठीक है एल्किन में फॉर्मेशन हो गया और ये जो है वो किसके प्रेजेंस पे हो रहा है तो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस पे हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में एक्सेस एक्सो सल्फ्योरिक एसिड के प्रेजेंट में जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो हमारा ये जो एल इथेनॉल है वो एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहा है और साथ में एच टू ओ रिलीज कर रहा है नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल एल्कोहल्स आर इजीली ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है एल्कोहल जो है वो आसानी से ऑक्सीडाइज किया जा सकता है जब उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंस होगा तो फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा देखिए कैसे यहाँ पर सी टू एच फाइव ओ एच है यहाँ आपका इथेनॉल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंट में वो हम, हम हमको क्या दे रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है सी थ्री एच सी ओ ओ एच प्लस एच टू ओ इथोनॉइक एसिड ठीक है उसी तरीके से जब हम मिथोनॉल को करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंट पे तो हमको मिथोनिक एसिड और वाटर देगा ठीक है अब देखिए एल्कोहल के यूजेस क्या क्या होते हैं

पेंट के लिए यूज किया जाता है वार्निश के लिए यूज किया जाता है मीन्स यहाँ पर क्या है आपके आपके घर में जो पेंट यूज होता है उसमें आपका थोड़ा कुछ अमाउंट में एल्कोहल प्रेजेंट रहता है वहीं पर मिथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो 65 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और काफी ज्यादा इनफ्लेमेबल है तो इसको पेट्रोल पेट्रोल के तौर पर भी यूज किया जाता है फ्यूल में इथेनॉल इज लेस हार्मफुल एज कंपेयर टू मिथेनॉ देयर फॉर इट देयर फॉर इन मोस्ट कंट्रीज इथेनॉल इज मिक्सड विथ पेट्रोल इथेनॉल इज ऑल्सो यूज एज फ्यूल इन स्पिरिट लैम्प इथेनॉल जो है वो काफी कम हार्मफुल है अगर हम कंपेयर करेंगे मिथेनॉल से तो इसीलिए ज्यादातर कंट्रीज में इथेनॉल को मिक्स किया जाता है पेट्रोल के साथ में और इथेनॉल जो है वो फ्यूल में भी यूज होता है स्पिरिट लैम्प में नेक्स्ट देखिए फोर्थ द फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहॉल इज माइनस डिग्री सेंटीग्रेड सो इट इज यूज इन लो टेम्परेचर थर्मोमीटर्स एल्कोहल इज अ कलरलेस लिक्विड दैट एक्सपैंड ईजिल एंड यूनिफॉर्मली रेड डाई इज is टू इट सो दैट टेम्परेचर कैन can रीड ईजिली देखिए जो फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट है एल्कोहल का वो माइनस वन हंड्रेड फोर्टी डिग्री फोर्टीन डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसीलिए क्योंकि ये लो टेम्परेचर लो टेम्परेचर थर्मोमीटर में इसको यूज किया जाता है क्योंकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई है मतलब काफी लो है ठीक है एल्कोहल क्या है एक कलरलेस लिक्विड है जो कि uh, मतलब आसानी से एक्सपांड हो जाता है और यूनिफॉर्मली एक्सपेंड होता है तो ये रेड डाई के तौर पर भी यूज किया जाता है ग्लाइकोल है ग्लाइकोल और गिलेस्टर जो है वो भी एक टाइप का एल्कोहल है जिसको हम सोप में मेडिसिन में या फिर एंटी फ्रीज एंटीफ्रीज के तौर पर कार रेडिएटर्स में यूज करते हैं इथेनॉल इज यूज एज अ स्टिंग एजेंट इन द मेडिकल फील्ड ठीक है इथेनॉल को ही आपका जो स्टेलाइज करने के लिए इथेनॉल का यूज किया जाता है मेडिकल फील्ड में ठीक है पर कुछ हार्मफुल एल्कोहल ठीक है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहल क्या क्या होते हैं कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉसेस इंटॉक्सिकेशन लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ हाई क्वालिटीज ऑफ एल्कोहल कैन अफेक्ट मेनी वाइटल ऑर्गेन सच एस लीवर एल्कोहल कैन एल्कोहल ऑल्सो स्लोस Down the metabolism process in our body, intake of very small, uh, very small quantities of methanol can cause death. It reacts rapidly when with components of liver cells and poisons the entire body. देखिए, कुछ कुछ quantity में, small quantity में, जब हम dilute ethanol uh, ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है? Intoxication होता है, मतलब उतना ज़्यादा harmful नहीं होता है। लेकिन जब long term पे उसका consumption होता है और high quantity में alcohol का consumption होता है, तो वो हमारे जो ऑर्गन्स है वाइटल ऑर्गन्स है जैसे कि लीवर हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है एल्कोहल जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को भी स्लो कर देता है अगर हम मिथेनॉल का ठीक है इथेनॉल और मिथेनॉल की बात यहाँ पर हो रही है अगर हम मिथेनॉल का थोड़ा अमाउंट ले लेंगे तो मिथेनॉल हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है वो हम मतलब अब हमारे लिए क्या है वो जहर का, का काम कर रहा है और वो डेथ भी दे सकता है ये जो कंपोनेंट है वो लीवर सेल मतलब मिथेनॉल जो है वो क्या है आपका लिवर सेल्स के साथ में बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और फिर हमारे पूरे बॉडी को पॉइजन कर देते हैं इथेनॉल इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट इट इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इथेनॉल इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मिथेनॉल टेन टू फिफ्टीन परसेंट टू इट डाइस आर ऑल्सो कलर color the alcohol blue so that it can easily be identified that methanol has been added. The mixture is known as methylated spirit. देखिए, ethanol जो है वो वो industrial solvent के तौर पे use किया जाता है। इसका जो manufacture है है uh, industrial purpose के लिए वो large scale पे होता है। और इसका misuse को बचाने के लिए, prevent करने के लिए इसे Uh, इसमें थोड़े अमाउंट में पॉइजनस सब्सटेंसेस डाल दिया जाता है जैसे कि इथेनॉल है तो इथेनॉल में 10 से 15 परसेंट उसमें मिथेनॉ डाल दिया जाता है ताकि वो ताकि वो थोड़ा पॉइजनस हो जाए और लोग उसको उसका मिस ना कर पाए डाइज जो है डाइज में कलर्स जो एड होते हैं वो भी आपका क्या है अल्कोहल ब्लू मतलब जो यहाँ पर डाइज है उसमें भी कलर ऐड करने के लिए अल्कोहल का यूज़ किया जाता है और इसको आसानी से आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसमें मिथेनॉल ऐड किया गया है इस ये जो मिक्सचर है उसको मिथाइलेटेड स्पिरिट कहते हैं ठीक है नेक्स्ट देखिए यहां पर नेक्स्ट uh, है आपका एल्कोनिक एसिड ठीक है यहाँ से हम अपने नेक्स्ट क्लास पे देखते हैं थैंक यू